benchmark ban chuki hai comedy film. Aaj bhi jab logo se dekhte hain to enjoy karte hain jitni baatein dekhte hain. To aise mein ek se badhkar ek kya uske upar ja paye is level benchmark. वो तो कोशिश आप कर सकते हैं लेकिन वो जाती नहीं जाती वो तो ऑडियंस जब रिलीज़ होगी तब पता चल सकता है. लेकिन कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है ना कि आप बार बार देखते हैं तो मज़ा आता है. एक्चुअली अ कॉमेडी फिल्म हैज़ अ लॉन्गर लाइफ देन आई विल नॉट से आई विल नॉट कंपेयरिंग कॉमेडी ट्रेजेडी या कॉमेडी एक्शन या कॉमेडी कुछ और. लेकिन कॉमेडी मेरे लिए और मेरे ख्याल से बहुत लोगों के लिए उसकी लाइफ काफ़ी लंबी रहती है. जैसे आप खूबसूरत ले लीजिए रेखा जी की तो अभी भी आप जब देखेंगे एवरी टाइम तो आप एंजॉय करते हैं. आपको मालूम है नेक्स्ट सीन क्या होने वाला है लेकिन आप वापस एंटिसिपेटेड ह्यूमर में आप पहले से लाफ्टर ले लेते हैं मज़ा तो यू एंजॉय द सीन कॉमेडीज अगेन एंड अगेन एंड समहाउ दे लिफ्ट यू अप. तो आई होप ये जो हमारी एक से बढ़कर एक है वो भी लंबे लेवल पर ऐसे ही हो जाएगी एक फिल्म बनेगी जो लोग बार बार एंजॉय करेंगे. करें तो क्या अगर मेरा बस चले तो मैं कॉमेडी बना मुझे वो फ्रीडम मिले. आई डोंट नो पीपल मे बी आई मे बी रॉन्ग बट आई थिंक आई हैव अ फोर्टे इन कॉमेडी. मुझे लगता है कि जितना मैं सक्सेसफुली कह सकता हूँ या एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ या बना सकता हूँ वो मुझे बना लेना चाहिए जो भी चांस मिले टेलीविजन जहाँ भी मिले. और क्या है कि जिस तरह की कॉमेडीज़ मैं करता हूँ तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि क्योंकि एक्सपेरिमेंटल लेवल होता है उसमें तो उसका बजट पहले से ही तय हो जाता है कि दे हैव टू बी ऑफ ए सर्टन लो बजट कैटेगरीज. यू नो कि आई कांट एम फॉर वेरी बिग बजट काइंड ऑफ फिल्म्स इन कॉमेडीज. आई वुड लाइक टू वर्क इन माई ओन फिल्म ऑन माई ओन स्क्रिप्ट. आइडियली मैं जो खुद स्क्रिप्ट लिखता हूँ उस पर मैं काम करना ज़्यादा पसंद करूँगा. और जैसे मैंने जाने यारो लिखी है ये कहानी दिलीप शुक्ला जी ने लिखी है लेकिन उन्होंने मेरे साथ पूरा कोऑपरेट किया कि तुम जो चाहते हो वो हम लिखते हैं. तो उनके ये पिक्चर की कहानी संवाद स्क्रीन प्ले सारा कुछ उन्हीं ने लिखा है. लेकिन बहुत मज़ा आया हम दोनों को एक साथ में काम करने का बहुत मज़ा आया. आपके अनुसार क्या वजह है कि आज तक जाने भी तो यारों की बेंचमार्क तक कोई भी फिल्म नहीं पहुंच पाई है अब तक. आप इतने समय से फिल्म इंडस्ट्री में रह चुके हैं आपने काफ़ी सारी फिल्में देखी होंगी लेकिन वो ह्यूमर एलिमेंट जो जाने भी तो यारों था अब वो कहीं किसी भी फिल्म में नहीं पाया जाता तो क्या वजह है कि ऐसी फिल्म और नहीं बन पा रही है. वो मुझे वो जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि शायद मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी वो फिल्म बनाने में और मैं फॉर्चुनेट रहा लक्की रहा तो मुझे बनाने का मौका मिल गया. शायद बहुत लोग होंगे जिनके पास ऐसी कहानी होगी और उनको बनाने का मौका ना मिल रहा हो. लेकिन एक जानवी दौर की खास वजह है कि वो इट अटेम्प्ट्स वेरी व्हाट यू कॉल हार्ड कोर लाफ्टर. इट डजंट अटेम्प्ट स्माइल एंड इट डजंट अटेम्प्ट व्हाट यू कॉल अ स्मार्ट लाइन हियर अ रिपार्टी हियर. It builds a situation into a gag, into a gag, into a gag, and you get Mahabharat sequence, you get telephone sequence, you get that cop sequence. Like that, there are many sequences, 8-10 sequences in this film, and the kind of humor attempted is Jaanay Bhi Do Irish. Oh yeah, mera kahiye, jo bhi kahiye. Lekin thoda absurd hai, thoda nonsense ko celebrate karta hai. Ki there's a celebration of nonsense. करेक्ट. वो थिएटर का लिया तभी तो मैं बना पाया वो जाने जा रहा हूँ क्योंकि वो सब मंजे हुए एक्टर्स है और कॉमेडी पूरे एक्टर्स के साथ ही आप बना सकते हैं. यू कांट मेक इट विदाउट इफ यू एक्टर फेल्स यू द डायरेक्टर कैन नॉट डू एनीथिंग. इस फिल्म में हम लोग को सुनील शेट्टी का ऐसा रोल है कि ही इज़ अ कॉमन मैन हु इज़ ट्राइंग टू बिकम अ डॉन. तो ही हैज़ गॉट बोथ क्वालिटीज इन हिम. शेखर इज अ वंडरफुल कॉमेडी एक्टर बट ही हैज़ गॉट सडन ग्लिप टंग. तो वी नीडेड अ कैरेक्टर अ लॉयर कैरेक्टर हु हैज़ गॉट अ ग्लिप टंग हु थिंक्स ही स्मार्ट बट ही ऑलवेज लीड्स यू इन टू प्रॉब्लम्स. तो शेखर सुनील का इस तरह का कैरेक्टर है.
रवीना की दो तीन फिल्में मैंने देखी थी कॉमेडी, तो रिस्क था मेरे लिए, लेकिन शी प्रूव टू बी वंडरफुल इन द फिल्म एंड शी वॉज अ डिस्कवरी. ईशा वॉज कास्टेड बिकॉज दैट कैरेक्टर इन द ईशा, वी शॉट विद ईशा एंड शी साइन दिस फिल्म बिफोर हर खलास पर्सोना, यू नो. तो शी हैड अ सर्टन मिस्ट्री, शी इज अ मिस्ट्रियस कैरेक्टर इन द फिल्म विद अ टच ऑफ ह्यूमर. Everything is with the touch of human in the film. So she was correct for the role. और बाकी जो second rung जो है वो सब मंजू हुए actors हैं, असरानी साहब, गुलशन ग्रोवर, दीपक शिर्के, who has done mainly action and what you call मारा मारी, but he has done wonderful comedy in this film. Who I knew is an actor. That's why I casted him. पर एक से बढ़कर एक में कौन किससे बढ़कर आगे जाने की कोशिश कर रहा है, क्या है फिल्म? हाँ, वो दे आर ऑल आफ्टर वन थिंग इन द फिल्म, तो इसलिए वो टाइटल रखा है कि दे आर डिफरेंट ग्रुप्स. जैसे पुलिस है, पुलिस में भी रवीना अलग है, उनके जो बॉस है सदाशिव अमराकपुरकर ये वो अलग है, शेखर सुमन है, सुनील है, फिर गुलशन ग्रोवर की टीम है. तो सारी टीम्स एक ही चीज़ के पीछे है और कैसे वो एक दूसरे को ही, मतलब कॉमेडी भी वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है कौन सक्सेसफुल होता है, इतना इम्पोर्टेंट होता है कि जो सक्सेसफुल हो रहा है उसको कैसे गिराया जाए. तो इस तरह का जो अटेम्प्ट है फिल्म में, दैट इज़ वाई द टाइटल इज एक्सेप्ट करेक्ट. लेकिन इट इज़ अ वेरी हाई व्हाट यू कॉल स्ट्रॉन्ग लाफ सिक्वेंसेज इन द फिल्म. सब सब मेन तो सुनील, शेखर, रवीना एंड ईशा, तो फिर दीज आर प्रिंसिपल कैरेक्टर्स, और बाकी जो सब्सिडियरी कैरेक्टर्स हैं वो आते जाते हैं ऐसे. कुछ स्टोरी लाइन के बारे में, कहाँ से फिल्म शुरुआत होती है और किस तरह की एलिमेंट्स आपने इस फिल्म में जोड़े हैं? इट इज बेस्ड ऑन अ कॉमिक प्रीमाइस. द फिल्म इज बेस्ड ऑन अ कॉमिक प्रीमाइस वेयर अ कैरेक्टर हैज टू बिकम डॉन इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड डॉन ऑफ द बिगेस्ट डॉन ऑफ द सिटी एंड शेखर सुमन इज द लॉयर हु हैज टू हेल्प हिम डू दैट. And Ravina Tandon is a police inspector who is after a don. So ye opposing forces hai, and Ravina Tandon and Sunil Shetty are neighbors. So one wants to catch a don, one is a don, one wants to become a don, and they are neighbors. So the whole thing is reduced on very normal day-to-day life. They're having cup of tea together. That man who is becoming a don is a Mali, so he advises her how to keep her plants, though he wants to become a don. तो उस लेवल पे पूरी फिर वो पिक्चर सीरियस नोट, मतलब मोर व्हाट यू कॉल कॉम्प्लेक्स नोट पकड़ लेती है, और डॉन आ जाते हैं, और चीज़ें आ जाती हैं, पाकिस्तान आ जाता है, ISI आ जाता है, इस तरह से दे आर ऑल आफ्टर अ साइंटिस्ट एंड व्हाट हैपेंस. One is box office, judging it by see. One is judging the films by box office, which is the probably the only criterion today. What is hit is good. That way naturally and hit has a logic. ऐसा नहीं है कि hit कि लोग पैसे देखें पिक्चर देखते हैं बार बार देखते हैं. But that need not be the quality benchmark of every filmmaker, every film. That need not. Though one has to be feasible. See, commercially feasibility is very important. So I think there is a lot of turmoil going on in the industry, and since last 2 years, there is a very different kind of discipline. There is a kind of discipline happening. We may think there is a very lot of chaotic things. बट आज कोई भी पूरी स्क्रिप्ट के बिना नॉर्मली कोई स्क्रिप्ट कोई फिल्म अटैम्प्ट नहीं करते हैं. एक फिल्म 4 महीना 3 महीना 6 महीने में बनाने की कोशिश करते हैं. बजटरी कंट्रोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, एवरीथिंग इज समहाउ बिकमिंग वेरी रेगुलेटेड. एंड स्क्रिप्ट नेचुरली यू आर राइट दैट इज़ द मोस्ट क्रिएटिव पार्ट. तो उसमें भी थोड़ा एक एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है. मल्टीप्लेक्सेस के आने की वजह से छोटी छोटी फिल्में बन रही हैं, उनको भी वायबल बनाना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी कोशिशें हो रही है. तो इट्स अ वेरी व्हाट यू कॉल इन अ वे वेरी
टर्बुलेंट पीरियड, और टर्बुलेंट से अच्छी चीज़ें पैदा होती है. एवरीथिंग इज यू नो नो बडी श्योर, सो विच इज़ अ गुड थिंग यू नो, एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू कम अप विद अ हिट, अ गुड फिल्म, अ सक्सेस. So it is in a way a good thing which is happening. There is nothing definite, nothing telling you this is a, if I cast so and so and take this writer and take this cameraman, I got a hit film on the end. That doesn't apply. जैसे आपने कहा कि जो theatre artists होते हैं काफी सुलझे हुए कलाकार होते हैं, पर आज इतने professional, इतने qualified actors नहीं हैं हमारी industry में, क्या आपका भी यही मानना है? नहीं, बहुत अच्छे actors हैं. क्या कहती हैं आप? उस ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे सब सर तुमको 10 परेश रावल मिल जाएंगे, 10 सतीश शाह मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे तो. वो परेश रावल, आई एम एज अ ट्राइब्यूट टू परेश रावल, एज अ ट्राइब्यूट टू सतीश शाह, एज अ ट्राइब्यूट टू राजपाल यादव. कि बहुत अच्छी बातें हैं ये, राजपाल यादव गेटिंग नॉमिनेटेड एज अ बेस्ट एक्टर, यू नो राजपाल यादव गॉट नॉमिनेटेड एज अ बेस्ट इन द बेस्ट एक्टर कैटेगरी. यू स्टूड विथ शाहरुख खान, यू स्टूड विथ संजय दत्त. तो एक्टर्स हैं, वो एक्टर्स आ जाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है. वो टॉप रंग का मैं इतना नहीं कह सकता हूँ, बट वहाँ भी अभी एक क्वालिटी तो दे आर डिमांडिंग कि यू हैव टू डिलीवर, एवरीबडी हैज़ टू पॉसिबल. बिल्कुल, अभी शाहिद कपूर, वी डोंट नो, आई होप ही इज़ अ सुपरस्टार, दैट इज़ हिज टैलेंट. पर लोग तो आते रहते हैं, कोशिश यही रहती है. कहीं आपका ये कहना है जैसे शाहरुख खान और गोविंदा जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आए हैं और इतने बड़े स्टार्स बने हैं, तो क्या दूसरों के लिए ये मुमकिन है या नहीं? मतलब बिल्कुल मुमकिन है, क्यों नहीं हो सकता है. थोड़ा मुश्किल होगा. अभी शाहरुख खान का बेटा, शाहरुख खान भी बोल रहा है कि मेरा बेटा को मैं बहुत बड़ा स्टार बनाऊंगा, तो उसके बेटे को आसानी हो जाएगी, कोई बाहर के लोगों को थोड़ी. लेकिन अगर उसमें टैलेंट है जिस जो शाहरुख खान में थी, जो इसमें थी, तो डेफिनेटली वो बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं. थोड़ा मुश्किल है वो पीरियड, लेकिन वो रास्ता बन सकता है. काफी समय लग गया इस फिल्म की रिलीज होने पर, क्या वजह है, कितना टाइम गैप हो गया, आपको लगता है कि ऑडियंसेस को इस वक्त रिलेट कर पाएगी इसमें? नहीं, कॉमेडी है तो रिलेट तो कर. हाँ, वक्त निकल गया उसका, उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ. मेरा काम है डायरेक्ट करना, पिक्चर बनाना, जब भी डेट्स मिलती है शूट करना, तो उसकी वजह से नहीं हुई है डिले. मेरे ख्याल से मार्केटिंग में हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम आई है, लेकिन फाइनली पिक्चर रिलीज़ हो रही है, और मेरे ख्याल से आउटडेटेड नहीं है वो, प्रॉब्लम हमारे लिए है ही नहीं. थैंक यू. हम बस लेट्स होप फॉर दैट.